कोई संतुष्ट नहीं होता इस काम के लिए, वर्तमान विधायक क्यों नाराज हो? क्या इसमें हैंडपंप तो मैं दे नहीं सकता डॉक्टर जी? नवोदय में वाटर कूलर वगैरह है कि नहीं पता कर लो, वहाँ पर भी देना चाह रहा हूँ बच्चों के लिए, जो करा लो, पानी की समस्या तो कम से कम कम हो। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स इस तरह का प्रयास करते हैं, जागरूक नागरिक अगर बढ़कर निकल के आएंगे और इसके प्रति हम लोग जिस तरह से हम जानते हैं चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, तो कहीं ना कहीं इस दीमक को हटाने का प्रयास किया जाएगा। और इसके चलते हुए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, 17 नवंबर को एक बैठक लगी है अपना नई दिल्ली में, जिसमें मैं भी मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया जा रहा हूँ। जो भी बोगस पत्रकार हैं, जितने आप सभी जानते हैं, कोई मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म करके आया है, जो अनुभवी हैं, कहीं ना कहीं वो भी इस कुरीति का शिकार हो रहे हैं। ये जो बोगस जर्नलिज्म आया, इट इज़ अ बिग थ्रेट टू द सोसाइटी। इसके प्रति निर्णय ये लिया गया है, जो भी इस प्रकार के एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे, तो वी विल फाइल अ सूट इन हाई कोर्ट। जब तक सरकार इस पर कानून नहीं लाएगी, हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इनको हम लोग दायरे में बांध सकें। बात कर रहे हैं, सरकार नागरिकों के पास सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जिससे कि उनको कामकाज में सरलता हो। हाँ, दूसरा विषय आपका आता है साइबर क्राइम के तहत। साइबर क्राइम के दायरे में जो सांसद मिश्रिक जी ने बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है, और उन्होंने जो मांग उठाई है वो वाजिब है। हम लोग सभी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और अक्सर देखते हैं कि अश्लील साइट्स, जिसे हम प्रोनोग्राफी कहें या किसी तरीके से कहें, वो परोसी जा रही है, जिससे न कहीं समाज में इसका गलत संदेश जा रहा है। और इसका एक ही विकल्प है, हमारी लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी, और प्रयास ये है सरकार का, कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया को भी दायरे में बांधने का प्रयास कर सकें, जिससे कि वो नियंत्रित होकर चल सके। जिस तरह से कई देशों में सोशल मीडिया प्रतिबंधित है, कारण आप सभी जानते हैं कि कई जगह म्यूटनीज हुई, डिस्ट्रप्शंस हुई, तो वो माहौल इस देश में ना बन पाए। सरकार उसके प्रति गंभीर है, और बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे कि ये इसके दायरे में आए।